सत्ता में अब बात करते हैं खेलों के महाकुंभ ओलंपिक की, जहां वेटलिफ्टिंग, घुड़सवारी, बॉक्सिंग, बैडमिंटन, हॉकी, तैराकी, तीरंदाजी समेत तमाम तरह की प्रतियोगिताएं कल से फ्रांस की राजधानी पेरिस में शुरू होने वाली हैं। किसी भी स्पोर्टिंग इवेंट का सबसे बड़ा इवेंट ओलंपिक होता है। आप दुनिया में कोई भी पदक क्यों ना जीत लें, लेकिन अगर ओलंपिक का मेडल आपके पास है तब आपको सर्वोच्च माना जाता है। लेकिन उसी ओलंपिक की हम बात कर रहे हैं जो कि दुनिया भर के युद्ध के साए में हो रही है। फ्रांस को ओलंपिक शुरू होने से पहले आज ही 5 मेडल मिल गए हैं। ध्यान से देखिएगा, मैं रिपीट करता हूं यह खबर। फ्रांस को ओलंपिक शुरू होने से पहले आज ही 5 मेडल मिल गए हैं। आपको सुनकर आश्चर्य हो रहा होगा और यकीन मानिए, फ्रांस के इन 5 गोल्ड मेडल के बारे में जानकर आपको हैरानी भी होगी और व्यंग से भरी हुई हंसी भी आएगी। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जो देश कल से खेलों के महाकुंभ की मेजबानी कर रहा है वहां आखिर हो क्या रहा है। आप देखिए फ्रांस ने कैसे प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही 5 गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिए। उसके बाद हर मेडल से जुड़े वीडियो सबूत भी आपको दिखाएंगे। पहला है, ध्यान से देखिए, पहला है असुरक्षा का गोल्ड मेडल। असुरक्षा का गोल्ड मेडल पहला। जो भी लोग फ्रांस गए वो कितने सुरक्षित हैं इसके वीडियो आपको दिखाएंगे। दूसरा है अराजकता का गोल्ड मेडल। इस प्रतियोगिता का गोल्ड मेडल फ्रांस की पुलिस को विशेष तौर पर मिलना चाहिए। तीसरा है बद इंतजामी का गोल्ड मेडल। इसकी भी अपनी कहानी है और चाहे तो राष्ट्रपति साहब इसके लिए आगे आ सकते हैं। चौथा है हंगामा और नारेबाजी करने का गोल्ड मेडल। पांचवा है दिखावे का गोल्ड मेडल। यह ऑलरेडी किसी बड़े मिनिस्टर को वहां पर मिल गया है। फ्रांस के खेल मंत्री खुद इसमें हिस्सा ले चुके हैं और ये मेडल पहन चुके हैं। पेरिस के मेयर भी इसमें कैसे मुख्य प्रतियोगी बने हैं यह भी हम आपको दिखाएंगे। कहानी कुछ यूं है कि पेरिस ओलंपिक में मुकाबला शुरू होने से पहले ही बवाल शुरू हो गया है। हालांकि इसका प्रीकर्सर बहुत पहले से था, मतलब शुरुआत इसकी पटकथा जो थी पहले से लिखी जा रही थी, लेकिन लोग ध्यान नहीं दे रहे थे। साख का सवाल था ना। फ्रांस की व्यवस्था पूरी तरह से फेल नजर आ रही। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि ऐसी व्यवस्था में फ्रांस कैसे ओलंपिक का सफल और सुरक्षित आयोजन कर पाएगा। आखिर प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही फ्रांस को गोल्ड मेडल क्यों दिया जा रहा है, इसे आप 5 वीडियो से समझिए। पहला वीडियो देखिएगा, यह वो वीडियो है जिसके आधार पर फ्रांस को असुरक्षा का गोल्ड मेडल दिया जा रहा है। सोचिए ऑस्ट्रेलिया की टीम। दूसरा वीडियो है, ऑस्ट्रेलिया की टीम ओलंपिक में भाग लेने आई। इससे पहले कि खिलाड़ी किसी प्रतियोगिता में हिस्सा ले पाते, उनका सामान लुटेरे लूट कर चले गए। गाड़ी भी तोड़ दी, शीशा भी तोड़ दिया, सामान भी कहीं फेंक दिया। ऑस्ट्रेलिया की साइकिलिंग टीम के साथ लूटपाट हुई। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही नहीं बल्कि अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अर्जेंटीना की टीम जब मैच की प्रैक्टिस करने मैदान में पहुंची तो उनके लॉकर रूम में घुसकर चोरी की गई। चोर खिलाड़ियों की घड़ियां और ज्वेलरी लेकर चले गए। फ्रांस से आया दूसरा वीडियो देखते हैं। इसी के आधार पर फ्रांस को एडवांस में अराजकता का गोल्ड मेडल दिया गया। स्टेडियम के बाहर धक्का मुक्की हो रही है। ना कोई कानून है, ना पुलिस है, ना किसी का डर है। इजराइल के समर्थकों में धक्का मुक्की हुई और पुलिस वाले तमाशा देखते रहे। ऐसा लग रहा है कि ये ओलंपिक नहीं बल्कि गली ओलंपिक टाइप के किसी टूर्नामेंट के आयोजन में जुटे हैं लोग। इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये वही फ्रांस के लोग हैं जो कोपा अमेरिका में बद इंतजामी को लेकर बड़े सवाल खड़े कर रहे थे। कोपा अमेरिका क्लब जो कि अभी अर्जेंटीना जीत रहा है। फ्रांस को मिलने वाला तीसरा मेडल बद इंतजामी का है। पेरिस ओलंपिक में शामिल होने के लिए दुनिया भर से 206 देशों से आए 10,500 एथलीट हिस्सा लेंगे। इस आयोजन के दौरान कुल 329 इवेंट्स होंगे जिन्हें देखने के लिए यहां दुनिया भर से खेल प्रेमी जुटेंगे। लेकिन पेरिस ओलंपिक से ठीक पहले वहां से जिस तरह बद इंतजामी की तस्वीरें सामने आ रही हैं, देखिए अर्जेंटीना और मोरक्को के बीच मैच के दौरान मोरक्को फैंस ने जमकर उत्पात मचाया। अर्जेंटीना के एक विवादित गोल की वजह से गुस्साए मोरक्को के कई फैंस ने अर्जेंटीना टीम के खिलाड़ियों के ऊपर पानी की बोतलें फेंकी और ग्राउंड पर पटाखे फेंके गए। खिलाड़ियों को डराने के लिए पटाखे आए कैसे ग्राउंड में? ऐसे हालात में ओलंपिक आयोजन शांतिपूर्वक कैसे होगा, यह बड़ा सवाल है। अब देखिए कि फ्रांस ने कैसे हंगामे और नारेबाजी का गोल्ड मेडल जीता। फ्रांस में पेरिस ओलंपिक से पहले यहां इजराइल वर्सेस फिलिस्तीन वाला टेंशन भी है। यह स्टेडियम के अंदर की तीसरी तस्वीर है, बड़ा ध्यान से देखिएगा, जब फिलिस्तीनी समर्थक एक मैच के दौरान इजराइल के विरोध में नारे लगाते दिखे, इजराइल के राष्ट्रगान का मजाक उड़ाया, इजराइली राष्ट्रगान के दौरान हूटिंग की। इस दौरान सुरक्षा अधिकारियों के साथ फैंस की बहस भी हुई।
लेकिन पांचवा जो गोल्ड मेडल है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप देखिएगा। पांचवा जो दिखावे का गोल्ड मेडल है ये देखिए, पानी की डुबकी वाला मेडल। दरअसल पेरिस ओलंपिक 2024 की आयोजित समिति ने इसे ओलंपिक इतिहास का सबसे ग्रीन ओलंपिक बनाने का वादा किया। वादे के मुताबिक इस बार खेल से होने वाले कार्बन उत्सर्जन लंदन 2012 और रियो 2016 के मुकाबले आधा रहेगा। यह खेल उसी पेरिस शहर में आयोजित हो रहे हैं जहां 2015 में विश्व के नेताओं ने दुनिया के तापमान को करीब करीब 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ने से रोकने के लिए प्रयास करने पर सहमति जताई थी। अपने दावे को सही साबित करने के लिए तब पेरिस में दिखावे वाले तैराकी भी की जा रही है। हमारे पास इससे जुड़ी दो तस्वीरें हैं। पेरिस की मेयर जो है एनी हिडाल्गो सीन नदी में डुबकी लगाकर यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि नदी प्रदूषित नहीं है, सुरक्षित है, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट्स आई कि इस नदी में प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा है। वहीं फ्रांस की मंत्री ने भी मेयर की राह पर चलते हुए सीन नदी में तैराकी की और उन्होंने भी वही संदेश देने की कोशिश की। असल में सीन नदी में प्रदूषण के कारण ही तैराकी पर 100 वर्षों से अधिक समय से प्रतिबंध है, लेकिन इस बार ओलंपिक के दौरान नदी के खुले पानी में तैराकी कराने के लिए अरबों रुपए साफ सफाई में खर्च किए गए। तो आपने देखा फ्रांस में क्या हालात हैं, बड़ा चिंताजनक तस्वीरें वहां से आ रही हैं। और एक और बड़ी चिंताजनक तस्वीर वहां से आई है, वो है एक महिला के साथ, कल ऑस्ट्रेलियाई मूल की महिला है जिनके साथ खबर आई कि गैंग रेप हो गया है। सीसीटीवी का कुछ फुटेज भी सामने आया है जिसमें जो आरोपी हैं वो भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए जरा फ्रांस की हालत क्या है, अलग अलग गोल्ड मेडल इनको मिल चुके हैं। पहला असुरक्षा का गोल्ड मेडल है। जो भी लोग फ्रांस गए हैं वो कितने सुरक्षित है इसके वीडियोस आपने अभी अभी देखे हैं। दूसरा है अराजकता का गोल्ड मेडल। इस प्रतियोगिता का गोल्ड मेडल फ्रांस की पुलिस को विशेष तौर पर मिलना चाहिए। तीसरा बद इंतजामी का गोल्ड मेडल, इसकी वजह क्या है ये हमने आपको अभी अभी दिखाई, इसकी भी अपनी कहानी है। चौथा है हंगामा और नारेबाजी करने का गोल्ड मेडल, जो ग्राउंड से तस्वीरें सामने आई थी। और पांचवा है दिखावे का गोल्ड मेडल, इसमें फ्रांस के खेल मंत्री खुद हिस्सा ले रहे हैं, गंदी नदी को साफ बताने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें डुबकी लगा रहे हैं।